हाउ टू मेक फ्लावर नमक पारे। फ्लावर नमक पारे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा, 3/4 गिलास गुनगुना दूध, 1/4 कप घी, 20 से 25 लौंग, अजवाइन 1 चम्मच, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार और ऑयल ले लेंगे डीप फ्राई करने के लिए। तो फ्लावर नमक पारे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा ले लेंगे। अब इस मैदे में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, नमक, अजवाइन और फूड कलर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इस मैदे में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फूड कलर है वो दूध में घोल के भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें घी। अब घी को भी अच्छे से इस मैदे में मिक्स कर लेंगे और घी की वजह से जो लम्स बने उनको ख़त्म कर लेंगे, ताकि घी है वो पूरे मैदे में एक समान मिक्स हो जाए। आप चाहें तो दोनों हथेलियों को रब करते हुए भी इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए तो आप इसमें मुट्ठी बनने लगी है, तो इतना घी काफ़ी है। तो अब धीरे धीरे करके हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने यहाँ गुनगुना दूध लिया है, इससे डो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। गुनगुना दूध है वो हम धीरे धीरे करके डालेंगे, ताकि हमारा डो है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो मैं धीरे धीरे करके इसमें दूध ऐड कर लूँगी और डो लगाऊँगी। ध्यान रखिए डो हमें टाइट ही लगाना है। अभी देखिए हमारा डो तैयार है। तो अब इस डो को मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। आधे घंटे बाद मैं दोबारा इस डो को अच्छी तरह से मल लूँगी, ताकि अच्छे से चिकना और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए अब ये तैयार है। अब इस डो में से हम एक रोटी के लिए जितना आटा लेते हैं उतना आटा ले लेंगे और इसे दोनों हथेलियों की सहायता से एक बार फिर गोल गोल चिकना बना लेंगे। ये देखिए अब इसे हम बेल लेंगे, एकदम उसी तरह जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। तो बेलन को घुमाते हुए हम इसे एक बड़े आकार की रोटी बना लेंगे। साथ ही ये इसे थोड़ा पतला भी बनाएंगे, रोटी जितना मोटा हमें इसे नहीं रखना है। तो इस तरह एक बड़ी रोटी तैयार हो गई है। तो अब सबसे बड़े कुकी कटर से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह बड़ी शेप की लेयर है वो तैयार हो गई है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक दूसरे के चिपकेंगे नहीं, क्योंकि जो डो था वो टाइट था। यदि पतला डो लेते तो एक दूसरे के चिपकने लगती। इसी तरह हम दूसरी रोटी भी बना लेंगे और मीडियम साइज के कुकी कटर से इसे कट कर लेंगे। बस इसी तरह हमने ये मीडियम साइज भी कट कर ली है और इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये मीडियम साइज की लेयर तैयार हो गई। इसी तरह हमने तीसरी रोटी भी बना ली है और सबसे छोटे आकार की कुकी कटर हमने यहाँ काम ली है और इसे कट कर लेंगे। अब ये सबसे छोटे साइज की लेयर तैयार हो गई है और इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे डो से ये सारी लेयर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सबसे बड़ी, मीडियम साइज और सबसे छोटी साइज, और साथ में ले लेंगे लौंग। तो अब सबसे पहले हम बड़ी साइज उठाएंगे, फिर मीडियम साइज और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी साइज। और अब इसके एकदम बीच सेंटर में हम ये लौंग लगा देंगे। लौंग लंबे लंबे लीजिए, ताकि जो लेयर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर नमक पारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम सारे नमक पारे हैं वो तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा लौंग के चारों तरफ हम इसे प्रेस कर देंगे, ताकि ये निकले नहीं। मैंने इन्हें उल्टा रखा है ताकि लौंग है वो निकले नहीं। अब तेल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, तो अब ये फ्लावर नमक पारे हम इसमें डाल देंगे। तेल को ज़्यादा गर्म बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो ये तुरंत जल जाएंगे।
जैसे जैसे ये नमक पारे फ्राई होंगी वो ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए हमारे नमक पारे हैं वो ऊपर आ चुके हैं और ये एकदम कमल के फूल जैसे पानी में तैरते हैं वैसे ही ये तेल में तैर रहे हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम हल्का हल्का प्रेस करते हुए ही डीप फ्राई कर लेंगे, हमें इसे पलटना नहीं है, पलटने से इनकी लेयर निकल सकती है। कुछ एक जो फ्लावर नमक पारे उल्टे भी हो गए हैं तो आप यदि हो रहे हैं तो सीधा कर लीजिए, नहीं तो वैसे ही रहने दीजिए। अभी नमक पारों में अच्छा कलर आ गया है, कलर की वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखने लगे हैं। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के सारे नमक पारे हैं इसी तरह हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आज की मेरी ये फ्लावर नमक पारे की रेसिपी? ये नमक पारे जितने देखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं उतने ही खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।